हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही मस्त, चंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस, जिन्हें मैंने लिया है सीपीओ के इसी साल के क्वेश्चन पेपर से। और अब तक सीपीओ का पेपर कम्प्लीट कर दिया है मैंने। जो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी वाले थे वो मैंने क्लासेस में ले लिए हैं वीडियोज़ में, और जो इजी थे पिछले साल भी आए थे और हमने और भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस देखे थे, वो मैंने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिए थे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसे और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। सो अभी इसके बाद में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ CHSL वाला पेपर, जो कि शुरू हो चुका है सेटोलॉजी के टॉपिक से। तो उस पेपर से भी मैं लूंगी नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी के और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ हमें करना है, ठीक है? और हर रोज अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, हर रोज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, हर रोज थोड़ा पढ़ना, तो वैसे क्या होगा ना, टिल द एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम आ चुका होगा तब तक आपकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई होगी हर दिन पढ़ाई करने की, लगातार कंटिन्यूसली वो जो बॉन्डिंग होगी पढ़ाई करने की हर दिन, तब जाकर आपका जो एक्शन होता है, जो फाइनल स्टेप आप लेते हो एग्जाम के दौरान, वो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देता है। और उसका रिजल्ट जब आता है तो वो आपकी खुशी इज लाइक आसमान छू गई हो। तो इस तरह की आसमान छू जाने वाली खुशी के लिए आपका हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, हर दिन थोड़ा पढ़ाई करें, हर दिन कोई नया कॉन्सेप्ट सीखे, हर दिन कुछ लर्निंग चलनी चाहिए, 1% ही सही। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी बेहतरीन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज दिस। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चंस करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, आप कॉमेंट कीजिए, आई विल आंसर यू एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें पता है नंबर सीरीज में क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, एक पर्टिकुलर सीरीज दी रहती है और उसमें से कुछ नंबरों को हटाते हैं कि यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क का गैप हो रहा है। सो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले 1 है, फिर 6 है, 15, 28। तो हम पहले अपने क्वेश्चन मार्क्स को लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद समझेंगे कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज को शुरुआत करने का एक ही तरीका है, या तो आप इन नंबरों को देख लो जो रेलगाड़ी चल रही है नंबरों की, अगर उसमें आपको कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो सेकंड स्टेप आप ये कर सकते हो कि उनका डिफरेंस देख लो, ये चेक कर लो कि वो ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या है। तो यही बेसिक सी चीज है, इसी को आपको हर एक क्वेश्चन में ट्राई करना होता है बेस्ड ऑन दी सीरीज आपको क्या दी गई है, ठीक है? तो अभी हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। सो 1 to 6 के बीच का डिफरेंस होता है, यहाँ पे हो गया +5। 6 से 15 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे +9। 15 से 28 के बीच का डिफरेंस, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया यहाँ पे 1। सो यहाँ पर मिला हमें 13। अब आ गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमें 3 नंबर दिए हैं, ये दो डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि अगला क्या होगा। सो 5 और 9 के बीच में होता है 4 का गैप, 9 और 13 के बीच में भी होता है 4 का गैप। तो ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर दिया हुआ है, 4-4 का एडिशन होना है आपके डिफरेंस वाली लाइन में, ठीक है? 13 में आपने करना है 4 को प्लस, फिर आपको आएगा यहाँ पर 13 में 4 प्लस किया 17, ठीक है? 28 में 17 को ऐड करोगे तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क है क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा हमें। तो 7 और 8 ये हो गया 15, यहाँ पे आया 5 और 1 हो जाएगा कैरी, इसके बाद में हो जाएगा ये 2, 1, 3 और जो एक कैरी था 4। सो हमें मिला हमारा पहला वाला ऑप्शन 45। सो अब ये ऑप्शंस में देखो यहाँ पे 45 किस में है, सो 45 तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया है जो 45 को कैरी कर रहा है, मतलब जिस ऑप्शन में 45 नंबर है। सो एक ही ऑप्शन है तो उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, ठीक है? समझ में आया दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लिए 78 दिया है, उसके बाद 86 दिया है, फिर दिया है 258 और फिर दिया है 322। चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 78 और दूसरा है 86, इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना डिफरेंस दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 नंबरों का डिफरेंस है, ठीक है?
और 86 से 258 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 8 में से 6 गया या 2 आएगा, फिर 5 में से 8 गया तो 5 से 8 तो जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 1, सो यहाँ पर आ रहा है 172। और फिर अगला क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो रहा है 12 में से 8 गया, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1, 1 15 यानी कि 11 में से 5 गया, यहाँ पे आया 6, इसके बाद ये 2 का 2 खत्म। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आप देखोगे इसको, सो 8 को आप किस किस हिसाब से लिख सकते हो, तो ये आपका 2 का क्यूब कह सकते हैं हम 8 को, ठीक है। उसी तरह से 64 क्या होता है, अगर हम क्यूब्स देख रहे हैं तो क्यूब में आ जाएगा ये 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 2 और 4 के बीच में यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 3 का कुछ कनेक्शन होना चाहिए, जिस हिसाब से ये सीरीज चल रही है उस हिसाब से ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 का क्या कनेक्शन होगा, अब 3 के कनेक्शन में क्या होगा जो 172 आ सकता है, तो किसको आप 3 से कनेक्ट करोगे, सो 86 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, ये तो बहुत छोटा होता है ना, इसलिए अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये जो इसका 27 है ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बस ये कर देंगे कि हम 86 को और 3 को, क्योंकि सीरीज के हिसाब से यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 8 24 24 प्लस 1 करेंगे 25 आ जाएगा, सो यहाँ पर 86 का इंटू 3 करेंगे तो 258 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इस डिफरेंस का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जो ये डिफरेंस है इसको ना लेकर यहाँ पर डायरेक्टली 86 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, यहाँ पर बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा था 172 वाला, ये वाला अभी डिफरेंस यहाँ पे नहीं ले रहा है, यहाँ पर क्या ले रहा है, इंस्टेड ऑफ 172 का डिफरेंस यहाँ पर ले रहा है 86 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि एक तो यहाँ पर हो रहा है प्लस हो रहा है 2 का क्यूब और उसके बाद में हो रहा है इंटू 3, फिर हुआ प्लस 4 का क्यूब, ठीक है 64। तो अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनटू करना होगा, अभी ये 2 था फिर 3 था फिर ये 4 हुआ, तो अगला हो जाएगा 5 का मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ रहा है दोस्तों। सो यहाँ पर जो हमें डिफरेंस दिखा इसके बीच में कंटिन्यू नहीं हो रही है यहाँ पर सीरीज, यहाँ पे एक हमारा डिफरेंस के बेस पे हमें मिला 2 का क्यूब, फिर एक हो रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर नंबर का जो कि नेक्स्ट नंबर है इस 2 के क्यूब 2 से, ठीक है, फिर 3 के नेक्स्ट नंबर को लिया गया है और उसका क्यूब लिया गया है, वो उसके क्यूब का नंबर जो वैल्यू आती है वो डिफरेंस में लिया गया है, तो जिस हिसाब से यहाँ पे सीरीज के साथ ट्रिक चल रही है उस हिसाब से हमने मिला कि यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 5 नंबर और ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 5 नंबर को मल्टीप्लाई करना है 322 से, तो 322 से अगर 5 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 0 1 कैरी, देन 5 2 10 1 कैरी 11, देन 1 कैरी अगेन, 5 3 15 और एक जो था कैरी 16, सो इस हिसाब से 1610 हमें मिल गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाली वैल्यू और जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें तो डिफरेंस में 172 मिला था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो 172 का यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं बना, बल्कि यहाँ पर कुछ और सीरीज चल रही थी, वो क्या थी, पहले आपने करना था, इसको थोड़ा मैं मिटा के ठीक से और क्लियरली मैं लिख देती हूँ, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 आता है और उसको 8 ना लेके यहाँ पर क्या लिया गया है, 2 का क्यूब लिया गया है, सो यहाँ पर प्लस किया गया 2 का क्यूब, इसके बाद में जो किया गया है वो है इंटू 3, सो एक सीरीज यहाँ पर चल रही है प्लस 2 क्यूब की और उसके बाद में इंटू 3 की, सो उसका नेक्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर एक तो ये प्लस चल रहा है एक इंटू चल रहा है, तो अगला प्लस होएगा और उसके अगले वाला इंटू होएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी चल रहा है, ये 2 था फिर 3 हुआ तो अगला आएगा 4 और उसके अगला आएगा 5, समझने की कोशिश करें ठीक यहाँ पर कि कैसे ये चीजें चल रही है, ठीक है। इसके बाद एक तो हमने देखा यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है और यहाँ पर हमने देखा कि 4 का जो क्यूब था 64, सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 64 का था, ठीक है, प्लस 64 और फर्स्ट वाले के बीच में जो डिफरेंस था वो था प्लस 8 का, सो यहाँ पर हमें दो तरह की अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, सो ये था ऑल्टरनेटिव नंबर पे प्लस प्लस का, और इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा इंटू 3 हुआ है
और इस तरह से यहाँ पर हो रहा है इनटू फाइव, ठीक है। तो इस तरह की दो अलग अलग चीजें यहाँ पर चल रही हैं, तो आपको भी ऐसे ही देखना है कि जो डिफरेंस निकलता है उसमें ट्रिक बिठानी होती। तो ये थोड़े हो गए ट्रिकी वाले क्वेश्चंस, और ये इसका इनटू फाइव किया तो हमें यहाँ पर आंसर आया था 1610। सो इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो किस तरह से आपको वो क्वेश्चन को देखना है और कैसे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहला तो वही है, डिफरेंस के साथ शुरुआत करनी है। सो घूम फिर के ये एक ही चीजें हैं, बस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा और उतना ज्यादा ही आप अच्छे से सॉल्यूशंस कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस हिसाब से किया गया है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना क्वेश्चन 324, 722, 1200 और फिर 2420। सो इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े से नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक चीज बहुत ही अच्छे से दिख रही है, वो क्या है, 324। सो ये जो 324 होता है ये होता है 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, 18 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर हो गया, मान लो कि ये 324 को 18 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, तो अगला 19 का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। अब ये 19 का स्क्वायर तो है नहीं, 361 को अगर आप डबल करोगे तब जाके हम पहुंचेंगे 722। ये 1 का डबल हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, 1 कैरी 2 2 3 6 17। सो हमें मिला यहाँ पर कि हमने 19 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 722, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लॉजिक हमने तुरंत ही पकड़ ली। पहले हमें पता चला कि 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर 722 क्या हो सकता है, अब ये सोलो सोलो चल रहा है यहाँ पे, ये सीरीज जो है लेकिन ये नंबर का सोलो लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। सो 722 के लिए हमने किया 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 361। फिर हमें पता चला कि 361 तो 722 नहीं है, हाँ 361 का डबल करते हैं तो हमें आ रहा है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पता चला कि अगर आप 19 का स्क्वायर को 2 इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 into 18 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 2 into 19 का स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें चल रही है, एक तो एक नंबरों का स्क्वायर चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, और दूसरा जो जिस नंबर से वो स्क्वायर मल्टीप्लाई होने वाला है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इस हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगला जो होगा वो 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई भी होगा नंबर, तो ये 1 था 2 था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो 3 2 यहाँ पे पहले 20 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के स्क्वायर से, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। और फिर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना 12, और ये दोनों 0। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब आप 20 का स्क्वायर करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1200 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हर एक नंबर है वो अपने आप में एक सीरीज लेकर चल रहा है। सो 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1, 19 का स्क्वायर डबल कर दिया, स्क्वायर करने के बाद डबल है, 20 का स्क्वायर करने के बाद ट्रिपल है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 20 के बाद क्या आता है, 21। तो एक ये हो गया कि वो 21 का स्क्वायर होगा, 21 के स्क्वायर के बाद में वो मल्टीप्लाई भी होगा किससे, 3 के बाद वाला नंबर 4 से। सो 4 और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे हम, 21 का स्क्वायर किया तो 441 आएगा, इसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 4 1 4 4 4 16 1 कैरी 4 4 16 1 कैरी 17। सो हमें यहाँ पर आंसर आ रहा है 1764, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया दोस्तों। तो ऐसा भी होता है कि आपकी सीरीज जरूरी नहीं है हर एक नंबर एक दूसरे से कनेक्ट ही हो जाए, सो इस तरह से सेपरेट लॉजिक भी चल सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा देखने को मिला है कि सीरीज वाले क्वेश्चन वो ज्यादातर हर एक को नंबर अपने अगले नंबर से कनेक्ट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, ये नंबर दूसरे वाले नंबर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनके जो डिफरेंस चल रहे हैं ये उन नंबरों के साथ एक लॉजिक चल रही है उसके बीच में आपस में कनेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर है 1 2 4 8, थोड़ा ज्यादा ही सामने हो गया, 1 2 4 8 10 20 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क।
सो यहाँ पर क्या है, 1 से 2 का डिफरेंस 1 नंबर का, 2 से 4 का डिफरेंस 2 में 2 प्लस हो गया, तो ये कह सकते हैं कि ये 1 है, इस 1 में इसी नंबर को प्लस कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 में 2 को प्लस कर दिया तो 4 आ गया, 4 में 4 को प्लस कर दिया तो 8 आ गया, लेकिन 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 16 आएगा, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट का इसका डिफरेंस का कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ और कनेक्शन हो सकता है। अब जब डायरेक्ट का कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट नंबर पे चेक करेंगे। सो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस होता है 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, फिर 4 से हम 10 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर कितना प्लस हो गया, 6, तो हमने देखा यहाँ पे 3 है और फिर इसका डबल हो गया नेक्स्ट पे 6, सो 6 का डबल कर देंगे नेक्स्ट पे, 6 का डबल हो जाएगा 12, सो अगला ऑल्टरनेट नंबर यानी कि 10 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाएगा, 10 में 12 को प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 22, सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑप्शन नंबर 122। अब यहाँ पर एक और चीज देख लो, 2 से 8 की तरफ गया है, ठीक है, इसके बीच में है प्लस 6 का कॉम्बिनेशन, फिर 8 से 20 की तरफ गया है, 6 का डबल करोगे तो यहाँ पर आएगा 12, और 8 और 20 के बीच में भी कनेक्शन जो डिफरेंस है वो 12 का ही है। सो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो आपका नंबर, आपका लॉजिक डायरेक्ट डिफरेंस में नहीं आया तो हमने क्या कर दिया, फिर हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो जब डायरेक्ट डिफरेंस में नहीं आ रहा है तो हम उसका ऑल्टरनेट नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना है अपने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे एक 1 है, फिर से 1 है, फिर 2 है, 3 है, 5 है, 8, 13 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर ये नंबर देखने को मिल रहे हैं। सो ये 1 आ गया यहाँ पर, ये सेम 1 हो गया, फिर इस 2 को लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला 1 और ये सेकेंड वाला 1, इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर दिया है, सो 1 प्लस 1 कर दिया है दोनों नंबरों को लेकर, ठीक है, दोनों नंबरों को लेकर प्लस कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया है। ये 3 के लिए क्या होगा, इसके पहले का दोनों नंबर को प्लस किया जा रहा है, यानी कि 2 प्लस 1 यहाँ पर इसके पिछले वाले दो नंबरों को प्लस कर दिया, यहाँ पे 3 हो गया। 5 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस 3, ये 2 प्लस 3 किया तो यहाँ पर 5 आया, इसका मतलब जो हर एक अगला नंबर जा रहा है वो इसके पिछले दो नंबरों का एडिशन है, ठीक है, पिछले दो नंबरों का एडिशन करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। सो 8 के लिए हमें करना होगा 3 प्लस 5 किया तो 8 आया, 8 का पिछला दो नंबर, तो ऐसे ही 13 के लिए हमें करना होगा 5 प्लस 8, उसके पिछले दो नंबरों का जोड़ तो वो 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें करना होगा 8 प्लस 13, सो पिछले दो नंबरों का जोड़ होगा अगला नंबर, 13 का अगला नंबर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमें करना होगा 13 और उसके पीछे वाला नंबर यानी कि क्वेश्चन मार्क से पीछे वाला दो नंबरों को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर 8 और 13 को ऐड कर देंगे, 8 और 13 को ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 21, सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 21 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आया आपको, और थोड़ा क्लियरली मैं अगर लिख दूं तो, सो फर्स्ट हमारा था फर्स्ट, ठीक है, 1, उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो वही नंबर वापस वहां पे रिपीट हो गया, 1 वापस से आ गया, ठीक है, सो यहाँ पर हो गया 1। अब 1 के बाद क्या आया है, 2 आया है, सो उसके लिए क्या हुआ है, ये दोनों 1 को एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, सो उससे हमें 2 मिला है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ है, ये 1 और 2 को जोड़कर 3 आ गया है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 2 और 3 को जोड़ दिया है 5 आ गया है, उसके बाद क्या हुआ है, 3 और 5 को जोड़ दिया है 8 आ गया है, फिर 5 और 8 को जोड़ दिया है सो 13 आ गया है, फिर क्या हुआ, 8 और 13 को जोड़ दोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 21। सो इस तरह से हुआ है 1 1 2 3 5 8 13 और क्वेश्चन मार्क, समझ में आया दोस्तों। सो जो भी नंबर आपको चाहिए उसके पीछे जो दो नंबर है उन दोनों को जोड़ देना है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है, इजी है लेकिन ट्रिकी है, ठीक है। सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आपको ध्यान देना है कि क्या उसमें लॉजिक बन सकती है।
इस तरह से ध्यानपूर्वक अपने सॉल्यूशन करें, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश करूंगी आपको जितना ज़्यादा हो सके वैसे हेल्प करने के लिए। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्ती कीजिए, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।